हर गांव की अपनी एक कहानी होती है। ये इस गांव की कहानी अजीब होने के साथ साथ रहस्यमय भी है। इस गांव में 27 साल से कोई मर्द नहीं आया, तो सवाल ये है कि यहां रहने वाली औरतें प्रेग्नेंट कैसे हो रही हैं? जी हां, आज जो सच हम आपको बताने जा रहे हैं उसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। आपका विश्वास करना इन पर मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये सच्चाई है। जिस गांवों की 27 सालों से इस गांव में सिर्फ महिलाएं ही रहती हैं, कांटों की फेसिंग से घिरा केन्या के समबुरु का उमोजा गांव दुनिया का सबसे अनोखा गांव है, क्योंकि यहां मर्दों की एंट्री बैन है। पिछले 27 साल से यहां सिर्फ महिलाएं रहती आ रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 1990 में इस गांव को 15 ऐसी महिलाओं के रहने के लिए चुना गया जिनके साथ ब्रिटिश जवानों ने शोषण किया। उसके बाद ये गांव पुरुषों का हिंसा का शिकार हुई महिलाओं का ठिकाना बन गया। बाद में इस गांव में यौन शोषण, बाल विवाह, घरेलू हिंसा और खतना जैसी तमाम हिंसा झेलने वाली महिलाओं ने अपना बसेरा बना लिया। इस गांव में इस वक्त करीब 250 महिलाएं और बच्चे रह रहे हैं। गांव में महिलाएं प्राइमरी स्कूल, कल्चरल सेंटर और समबुरु नेशनल पार्क देखने आने वाले टूरिस्ट के लिए कैंपेन साइट चला रही हैं। इस गांव की अपनी वेबसाइट भी है। यहां रहने वाली महिलाएं गांव के फायदे के लिए पारंपरिक ज्वेलरी भी बनाकर बेचती हैं। साथ ही ये महिलाएं सफारी घूमने वाले टूरिस्ट को अपना गांव दिखाती हैं। इनसे एंट्रेंस गेट पर ही गांव की महिलाओं के द्वारा तय एंट्री फीस ली जाती है, जिससे इस गांव का खर्चा चलता है। इस गांव में महिलाओं की तादाद लगातार बढ़ रही है, वहीं वो बच्चों को भी जन्म दे रही हैं, और इसका कारण है कि वो शारीरिक संबंध बनाने के लिए गांव से बाहर चोरी छुपे चली जाती हैं और पसंदीदा मर्द के साथ संबंध बनाती हैं। इस तरह वो वंश भी चला रही हैं और शारीरिक सुख भी पा रही हैं। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।